के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर के साथ जब कल बनारस में नामांकन के लिए पहुंचे, तब वहां पर मौजूद वकीलों ने इनके खिलाफ नारेबाजी की। उस घटना को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी के इशारे पर यह सब कुछ किया गया है। सर, आपसे समझना चाहेंगे, जब कल आप लोग गए और चूंकि वीडियो में दिख भी रहा है कि नारेबाजी हो रही है और भी बहुत सारी चीजें उसमें हैं, लेकिन वहां पर मौजूद वकील थे, आप बोल रहे हैं कि वो भाजपा के इशारे पर सब कुछ कराया गया। हम वकील कैसे पहुंचे, वकील को क्या दिक्कत है? वकील वहां वकालत करने गए हैं कि किसी नेता का विरोध करने गए हैं? पहला सवाल। जब निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइंस जारी किया कि 3 ही आदमी अंदर जा सकते हैं, ये सैकड़ों गुंडे, योगी जी के जो गुंडे वहां कैसे पहुंचे? डीएम और कमिश्नर के इशारे पर वहां बैठाए गए। मतलब आपके कहने का मतलब कि वकील नहीं थे वो? वो वकील नहीं थे, वकील के भेष में वहाँ भारतीय जनता पार्टी योगी के गुंडे बैठाए गए थे। अब जिस तरह की हरकत उन्होंने किया, आपने देखा वीडियो, अभी हम दिखा देते हैं। दिखाया भी और देख भी लीजिए। कितने लोग होंगे वहाँ पे? ये भाषा सैकड़ों लोग हैं। ये भाषा वकील की नहीं हो सकती है। अब सुन लीजिए भाषा इनकी। उसको म्यूट करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज, ये वीडियो दरअसल हम लोगों के पास है। भाषा सुनिए, वकील की भाषा है। पुलिस अब उन्हीं की सुरक्षा कर रही है, जो गुंडे माफिया हैं उन्हीं की सुरक्षा में पुलिस लगी हुई है। चुनाव आयोग को शिकायत की है? इसकी शिकायत हमने ये एक पत्र चुनाव आयोग को, एक पत्र राज्य निर्वाचन आयोग को हमने दिया है कि अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर की सुरक्षा व्यवस्था कराई जाए। इस नाते कि योगी जी ओम प्रकाश की हत्या कराना चाहते हैं, इनके द्वारा जो गुंडे वहाँ भेजे गए, अगर वो वकील थे तो ये भाषा तो वकील की नहीं हो सकती। वकील किसी का कालर नहीं पकड़ सकता, वकील किसी नेता को मार नहीं सकता। वकील जिस जो भाषा वहाँ बोली जा रही थी, मार साले को गोली, यहीं ख़त्म कर दो, ये साला जिंदा न जाने पावे। और 70 मीटर तक लगातार ये इस तरह की हरकत करते रहे, हम बचते रहे और 3-4 लोग देखे जब हरकत, तो बाहर हमारे लोग जा करके किसी तरह हमको वहाँ से निकाल के ले आए। ये वकील की हरकत नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है बनारस, और जिस सीट से आपके बेटे ने पर्चा दाखिल किया है, अनिल राजभर हैं वहाँ से विधायक, वहाँ के मंत्री हैं, और आपसे कैसे उनके संबंध हैं हर कोई जानता है। तो नामांकन के दौरान जब ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है, तो फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे आप लोग? चुनाव 100% लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे भी, और बनारस में 8 में 6 सीट जीतेंगे। कुछ भी कर लें, मोदी जी 10 दिन वहीं बैठे रहें, गंगा जी में नहाते रहें, कुछ नहीं कर पाएंगे इस बार। लेकिन बनारस को तो भाजपा का एकदम मजबूत गढ़ माना जाता है। था, ये आए तो कहे कि गंगा माई ने बुलाया है। क्यों बुलाया आज तक नहीं बताए। जैसे स्वर्गीय बीपी सिंह जी बोफोर्स मामले को लेकर कागज घूमते थे, हम खोल देंगे तो जेल चले जाएंगे, वो बेचारे चले गए धरती से, अभी तक वो कागज खुला नहीं। उसी तरह मोदी जी जाते हैं बनारस तो बोलते हैं गंगा माई ने बुलाया है, और नारा बोलते हैं जब मंच पे खड़ा होते हैं तो कहते हैं भारत माता की जय, और नारा क्या दिया, सौगंध मुझे इस मिट्टी की देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, देश की संपत्ति बेच रहे हैं, पिछड़ों का आरक्षण, दलितों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, संविधान को नहीं मानते, जुर्म जाति अत्याचार पिछड़े दलित वंचित के ऊपर हो रही है। इसे निजात पाने के लिए जब ओम प्रकाश राजभर ने जंग छेड़ा है तो योगी जी को बुरा लग रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 में 27% रिजर्वेशन, 22.5% योगी जी ने लूटा, कोई नहीं बोला, अगर बोला तो ओम प्रकाश राजभर, इसको बुरा लग रहा है। एक आखिरी सवाल, आप खुले तौर पर बोलते हैं और हर कोई जानता है कि मुख्तार अंसारी से आपके गहरे संबंध हैं, तो क्या माना जाए कि उन्हीं संबंधों को निभाते हुए आपने मऊ सीट का अब्बास अंसारी को टिकट दिया है? 100% दिया है अब्बास अंसारी को टिकट। जब भारतीय जनता पार्टी ब्रजेश सिंह को टिकट दे सकती है MLC का, संगीत सोम को MLA का टिकट दे सकती है, सुरेश राणा को दे सकती है, तो फिर हम अब्बास को क्यों नहीं दे सकते हैं? तो कल बनारस की घटना को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है।
इनका ये कहना है कि सरकार के इशारे पर सब कुछ किया गया है। चुनाव आयोग में इन्होंने शिकायत भी की है और अपने लिए और अपने बेटे अरविंद राजभर के लिए सुरक्षा की मांग की है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन लखनऊ। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ।